तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। सो हे यो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचडीएमआई व्लॉग्स में। कैसी है मेरी प्यारी जनता, आ गए एक और न्यू व्लॉग में। तो फिलहाल सुबह तो हम लोग जल्दी उड़ गए थे करीब 6 बजे, और चाय पानी नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं अभी गोवर्धन के लिए। और यहाँ गोवर्धन जाने के लिए बस आती है, जो कि हम लोग कल एसी बस में गए थे ना। ऐसी सिटी में ऐसी बस चलती है जहाँ पे आप गोवर्धन, वृंदावन ऐसी जगह जा सकते हैं, तो इसीलिए गोवर्धन की बस अभी आने वाली है। तो हम लोग गोवर्धन के बस से निकलेंगे और वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे और कुछ मंदिर। तो गाइस, अभी बस स्टैंड से हमने टेम्पो ले लिया और राधा रानी मंदिर जा रहे हैं हम लोग। करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड से, और बस हमें यहीं पे छोड़ेगी। अगर आप राधा रानी मंदिर बोलोगे तो इसी तरफ छोड़ेगी। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर मार्ग में आ चुके हैं, और इस मंदिर में, राधा रानी मंदिर में सीढ़ियाँ भी है, तो सीढ़ी तक पहुँच के मैं बताता हूँ कितनी सीढ़ी है हमारी राधा रानी मंदिर में। तो फिलहाल गाइस, अभी हम लोग उतर चुके हैं राधा रानी मंदिर पे पास, और सीढ़ियाँ के पास उतारेंगे अगर आप बस स्टैंड से आओगे ऑटो रिक्शा लेके। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बाइक वाले मिल जाएंगे ऐसे, जो आपसे पूछेंगे राधा रानी मंदिर ऊपर तक जाने हैं क्या। भले आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सीढ़ी से चढ़ना पसंद है तो सीढ़ी से भी जा सकते हो। सीढ़ी करीब यहाँ से 108 सीढ़ी है यहाँ पे राधा रानी मंदिर में। तो चलते और ऊपर चढ़ाई करते सीधा। और यहाँ पे आपको ठंडे ठंडे पानी भी मिल जाएगी मटकों में। और एक ज़रूरी बात कि जब हम लोग आ रहे थे ना, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, समझ लो बस एकदम बहुत सारे गड्ढे रास्ते में, और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है समझ लो, पहाड़ वाला एरिया समझ लो। पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं अभी हम लोग, मंदिर पहाड़ पे ऊपर में है, ज़्यादा नहीं 108 सीढ़ी है, राधे राधे बोलते बोलते पहुंच जाएंगे ऊपर। राधा रानी की जय। तो लीजिए गाइस, हम लोग मंदिर के ऊपर भी पहुंच गए बहुत ही जल्दी सीढ़ी चढ़ के, ज़्यादा नहीं 108 सीढ़ी तो है, पर शायद अभी अपन और ऊपर जाना है क्या। एक ये एरिया है, यहाँ पे मंदिरें तो दिख रही है हमें। तो गाइस, प्रसाद तो हमने ले लिया यहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए राधा रानी को। तो गाइस, हमने 10 का प्रसाद भी ले लिया यहाँ पे। ओ भाई, ये हम लोग मंदिर के मार्ग में पहुँच चुके हैं। एक रास्ता इधर भी है मंदिर का, सीढ़ी से जाते हैं। यहाँ से शहर दिख रहा है पूरा। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, थोड़ा पास, थोड़ा सीढ़ी और है आगे, देख लो मेरे पीछे। और यहाँ से पूरा शहर का दिख रहा है व्यू, छोटे छोटे घर। चलो अब चलते हैं और ऊपर, थोड़ा सा चढ़ लेते हैं, राधा रानी की जय। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है मंदिर का, राधा रानी मंदिर। और भाई साहब, यहाँ से नीचे एरिया का भी, शहर का भी बहुत बढ़िया है व्यू। वहाँ पे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं हमें, पहाड़ भी है इस तरफ। चलिए और चलते हैं आगे, जूते चप्पल हमें यहाँ उतार देने हैं, और उसके बाद और ऊपर जाना है, दर्शन करके आते हैं राधा रानी के। तो यहाँ से है द्वार मंदिर का, श्री लाडली जी महाराज बरसाना, दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद फोटो वोटो भी खिंचाएंगे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया व्यू लग रहा है यार यहाँ पे। तो लोग पहुँच गए हम लोग दर्शन करने। आप
तो गाइस दर्शन तो कर लिया हमने, आपने भी कर लिया होगा वो, और चलते हैं अब वापस से नीचे अपन। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑटो रिक्शा लेके बरसाना, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बरसाना के मंदिर।